अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं अपना थोड़ा सा वो दिखाऊंगा, ऊपर छत पे मैंने थोड़ा सा काम करवाया, वो भी इसलिए कि अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी ज़रूरी होती है जब हम छत पे होते हैं, और हमारी जो बाउंड्री होती है वो छोटी होती है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसको बड़ा कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक दिन गिरते हुए बच गया था, तो इसलिए ख्याल आया कि इस बाउंड्री को ऊंचा कर लेना चाहिए। उस तरफ मैंने बड़े बड़े पौधे भी लगा रखे थे ताकि उस तरफ ज़्यादा जाना ना हो। बाकी मैंने लोहे की ग्रिल लगाने की भी बात करी थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था उनको, जिससे बात करी थी वो लोग काफ़ी बिज़ी थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो और एक फिर ये हमने दीवार ही उठवा दी, मतलब ऊंची करवा दी। और कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, तो हर चीज़ इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए हमें। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने से हमें नुकसान हो जाता है काफ़ी। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने काम करा, उसकी वजह से मैंने छत भी थोड़ी पूरी खाली कर दी, थोड़ा सा और काम करवाना था। तो पौधे मेरे दूसरी छत पे ही बिल्कुल एक ही, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारे पौधे हो रखे हैं मेरे, तो वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है ये वाइट जहाँ तक है वहाँ तक दीवार थी मेरी छोटी सी, अब इसको इतना ऊंचा करवा दिया है। और दीवार के उस तरफ क्या है, अगर मैं गिरता तो काफ़ी दूर ऊंचाई से गिरता, और अल्लाह ने बचा लिया। ये मैंने ये रस्सी लगा रहा था, इसके चक्कर में मैं गिरने वाला था इस स्टूल से उतरते टाइम ये थोड़ा सा ऐसे हो गया था और मैं गिरने वाला था, तो वो तो मैं इस तरफ आया तो बच गया। तो देखिए पूरी छत मेरी खाली हो गई है, पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा ये छत पूरी भरी भरी थी पौधों से। अब मेरे पौधे कहाँ गए, तो पौधे कहाँ गए वो मैं दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको ये अपनी अपराजिता की बेल दिखाता हूँ। ये देखिए, कल तो इसमें बहुत सारे फूल आ रहे थे, अब सूख गए हैं। ये सब सूख गए हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि पौधे कहाँ गए मेरे। कुछ पौधे मेरे ये रहे, गुलाब का, कड़ी पत्ता, तुलसी, स्पाइडर प्लांट और जेड प्लांट सूखा हुआ, वो जो मेरे मुर्गी के बच्चे खा गए थे। और कुछ पौधे मैंने देखो ये इधर लगा रखे हैं। ये मैंने टंकियों के ऊपर लगा रखा है, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए। इनमें पानी डालने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये इस पूरा मेरा सारे पौधे इतनी सी छोटी सी जगह में। देखिए ये हिबिस्कस आ गया, फिर वो पीछे एक और अपराजिता की बेल है, वो उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये तुलसी, कल मम्मी देख के बोलती हैं इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, पत्ते इतने बड़े बड़े पत्ते ज़्यादातर तुलसी में दिखते नहीं हैं। सिंगोनियम, 9 o'clock, एलोवेरा,
और एक जंगली सा पौधा है कोई। ये बरसातों में अपने आप ही आ जाता है, काफ़ी टाइम से इसे भी संभाल के रखा हुआ है पेंट की बकेट में। चलिए दोस्तों अभी फिर इसको ख़त्म करते हैं अपने व्लॉग को। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। इसका फर्श का काम करवाना था, इसमें वाटरप्रूफिंग करवा के, क्योंकि बरसातों में देखिए काई जम जाती है, सीलन भी आ जाती है कभी कभी नीचे, तो उसी को ठीक करने के लिए। लेकिन आज हमारा जो लेबर मिस्त्री हैं वो बंक मार के आए नहीं, देखते हैं कल वो आते हैं नहीं आते। ये हमारा एलोवेरा, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, गार्डनिंग करिए, साइकिलिंग चलाइए और नेचर के साथ एंजॉय करिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।